अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल वानी सेयर, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आपको आज बताया जाएगा AFNS में मेडिकल टेस्ट के बारे में। इससे पहले कि जो भी इंफॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर की जा चुकी है ग्रुप में ऑलरेडी, वो वॉइस नोट अवेलेबल है, मज़ीद यूट्यूब पर भी ये वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ पर भी इनको देख कर सुन सकते हैं। तो मेडिकल की बात की जाए तो देखें, जब आपका इनिशियल टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपका मेडिकल होना होता है। इनिशियल टेस्ट में यानी कि आपका कंप्यूटर का टेस्ट था वो आप लोगों ने क्लियर किया, उसके बाद एक पर्सनैलिटी टेस्ट या साइकोलॉजी टेस्ट कह लें उसको, वो होता है। तो जैसे जिन बच्चों की चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो उसी दिन भी मेडिकल का टेस्ट हो सकता है या वो बाद में भी आपको टाइम दे सकते हैं। उसी दिन किन बच्चों को होता है कि अगर तो उनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसी दिन अवेलेबल हों, या ऐसा हो कि आपने टेस्ट दिया सुबह टाइम और अभी टाइम बच रहा हो तो उसी दिन ही टेस्ट हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका सेकंड टाइम में टेस्ट होता है उनका मेडिकल उस दिन नहीं होगा। तो अब मेडिकल टेस्ट में आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेक की जाती हैं, उसमें जो है ऐसा है कि आर्मी के अपने ही डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे। उसमें जब AFNS के मेडिकल की बात की जाए तो सबसे पहले आप लोगों की हाइट देखी जाती है। हाइट अब कितनी होनी चाहिए, पहले इसकी रिक्वायरमेंट होती थी 2023 तक के 4 फुट 8 इंच हो, लेकिन इस साल से इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी 5 फिट जो हाइट है वो लाजमी होनी चाहिए। अब ये 5 फिट से अगर आपकी हाइट कम होती है तो क्या उसमें कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी? तो इसका मैं आपको बता दूँ, रिलैक्सेशन जस्ट इतनी होती है कि अगर आपकी एज अभी कम है यानी कि आप 18 साल से कम हैं, या ऐसे कह लें कि अभी एज आपकी उसके अकॉर्डिंग कम है, तो आपको कुछ 3-4 इंचज तक का वो रिलैक्सेशन वो दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं होती। हाइट जो है वो उन्हें तकरीबन 5 फीट ही चाहिए होती है। तो अब जिनकी हाइट इससे कम है वो कर तो कुछ नहीं सकते, वैसे थोड़ी है कि वो अपना कद बढ़ा लेंगे, तो उनको अल्लाह की रज़ा में राजी रहना पड़ेगा। बाकी इसके बाद जो है आपका वेट चेक किया जाता है।